पोती सोलन में पढ़ती है। लॉकडाउन की वजह से वह किसी के घर में रह रही है और मैं चलने फिरने में मजबूर हूँ, इसलिए मैं अपनी पोती को अपने पास बुलाना चाहती हूँ। क्या दिक्कत है माता को आपकी? माता जी को, माता जी हमारे चलने फिरने में बिल्कुल हेल्पलेस हैं और अकेली रहती हैं, वो सेवा करने के लिए कोई नहीं उनके पास। और मेरी बेटी पिछले 3 साल से सोलन में पढ़ाई कर रही है, लेकिन पिछले 1 महीने से लॉकडाउन कर रहा, वो एक किसी घर में रुक रही है। जबकि जिला प्रशासन द्वारा उन्होंने, मेरी बेटी ने 2 बार भी अप्लाई किया, एडजेंट साहब को अप्लाई किया, DC सरमोर को भी 3 बार अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट किया जा रहा है हर बार एप्लीकेशन। वो कहते हैं कि आप एक दूसरे जिले में नहीं जा सकते। बड़ी हैरानी वाली बात है, उत्तर प्रदेश के योगी जी यहाँ से वहाँ से क्यों नहीं आते? और जब हमारे MP साहब दिल्ली से मंडी पहुँच जाते हैं तो हमारे बच्चे सिरमौर से सिरमौर में क्यों नहीं आ सकते? और दूसरी बड़ी गजब बात, हमारा सिरमौर में खाली पौंटा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे खास क्षेत्र, इस बार सोलन में नीचे बद्दी वाले में है तो सोलन बताते हैं। यहाँ पर एक वो किसी विभाग के उच्च अधिकारी जो ऊना से यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन वो कैसे पहुँचे तो भगवान जाने। तो जब उन परमिशन मिलती है तो हमें क्यों नहीं मिलती है, जबकि हम भी। और दूसरी बात, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री DGP कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हिमाचल की पूरी जनता उनका साथ देती है, तो हिमाचल जनता की प्रकाश होनी चाहिए। और रेणुका क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं और गरीब लोग रोजी रोटी करके तब अपने बच्चों को पलाते हैं, लेकिन वो लोग गांव के लोग आज भी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। या तो सरकार को चाहिए उनके खाते में ताकि वो आर्थिक स्थिति से बाहर निकल सके।